आज के वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका वीडियो का साइज 800, 900 या 1 GB, 2 GB में है और उसको जो है वीडियो को कंप्रेस करने नहीं आता है कि कैसे हम अपने वीडियो को कंप्रेस करके अपने वीडियो का साइज कम करें और आपके वीडियो का क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। स्वराज में ही इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको ऐसा ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने वीडियो को किस तरीके से आप उसको कंप्रेस करेंगे और उसको कम MB में कैसे करेंगे। अगर आपके वीडियो का साइज 800, 900 या 1 GB, 2 GB में है तो उसके साइज को बहुत ही कम करके आप उसको छोटा कर सकते हैं और उसको कम MB में कर सकते हैं और आपके वीडियो का जो है क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने वीडियो को कंप्रेस करके उसके साइज को कैसे कम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। यह 10 मिलियन प्लस में डाउनलोडिंग है तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा और कितना बेस्ट यह एप्लीकेशन है। इससे आप वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं MP3 को MP4 में और MP4 को MP3 में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ही वीडियो के बीच के पार्ट को आप काट कर इसके बाद इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम यहाँ से ओपन हो लेते हैं। ओपन होने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आएगा। ये कुछ ऐड है, इसको स्किप करके यहाँ से आपको इसको हटा देना है। यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ वीडियो कंप्रेस का ऑप्शन है, वीडियो कन्वर्ट का ऑप्शन है और यहाँ फाइल प्रोसीड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप वीडियो कंप्रेस कर सकते हैं, यहाँ वीडियो के बीच के पार्ट को आप काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ वीडियो कन्वर्ट में आप यहाँ पे वीडियो 2 MP3 में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ MP3 को MP4 में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड वाले में आपको मिल जाता है वीडियो और ऑडियो, यहाँ पे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ट्रिम टू कंप्रेस टू। तो मैं वीडियो को कुछ काट के इसके बाद इसको मैं कंप्रेस आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए यहाँ ट्रिम टू कंप्रेस वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो को चूज कर लेता हूँ। ये चूज करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 21.78 MB का, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 480 पिक्सल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ओरिजिनल साइज यहाँ पे इसका देख लीजिए कि 21.78 MB का ये है वीडियो। इसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से अपना रेजोल्यूशन चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 640 का है, 480 पिक्सल का है, इसके बाद 360 का है, 320 का है, 240 पिक्सल का है। तो अपना जितना कंप्रेस कीजिएगा इसमें से कर सकते हैं। आपके वीडियो का साइज कम होगा बट आपके वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका वीडियो ख़राब नहीं होगा, उसका जो क्वालिटी है वैसा ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे 640 पिक्सल चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए 21 MB का था और यहाँ पर देखिए 9.9 MB का हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करना रहने देता हूँ। अगर आपको जो भी चूज करना है इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ 640 पिक्सल का और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका साइज है 59% कम हो चुका है। चलिए इसको मैं यही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका अगर बीच का पार्ट काटना चाहते हैं इस तरीके से तो आप दोनों साइड से जितना लेना चाहते हैं इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो आपके वीडियो का साइज और कम हो जाएगा, जिसे नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि 5.62 MB का हो चुका है। इस तरीके से जितना बढ़ाइएगा वीडियो का साइज बढ़ जाएगा और जितना वीडियो का बीच के पार्ट आप काटना चाहते हैं इस तरीके से काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पूरा ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 9.92 MB का हो चुका है पूरा में। अगर इसको आप काटना चाहते हैं, कोई अगर वीडियो आपको ख़राब हो चुका है, अगर आप काट के कंप्रेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वीडियो का पार्ट को काट सकते हैं। जितना भी काटना चाहते हैं इस तरीके से काट सकते हैं। जैसे हमें काटना नहीं है तो हम यहाँ से पूरा ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए 9.7 MB का आ चुका है। चलिए मैं इसको गैलरी में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा।
जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो ऊपर आपको मिलता होगा ऑप्शन सेव टू गैलरी, आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपका परसेंटेज चलना स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 100% जब कंप्लीट होगा तब ये आपका जो है कंप्रेस होकर आपका वीडियो गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कंप्रेस यहाँ पर आपका होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको हम कंप्रेस होने देते हैं, जब तक वेट कर लेते हैं। तो कंप्रेस होने के बाद देखिए ये वीडियो यहाँ पे मेरा कंप्रेस होकर आया हुआ है। यहाँ पे न्यू वाला पे है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मोड़ वाले पे जाएंगे। मोड़ वाले पे जाने के बाद आपको मैं इसको जो है साइज इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका साइज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ मोड़ वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि 8.26 MB का है, जो वहाँ पर कितना था 21 MB कुछ में था। तो यहाँ पर देखिए 8.26 MB का है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर मैं इसको प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और कितना शानदार इसकी क्वालिटी है। जो वहाँ पे आपको 21 MB में था वो यहाँ पे आपको 8 MB में हो चुका है और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है। इस तरीके से आपको इसको भगा के भी देख सकते हैं, देखिए क्वालिटी कितनी शानदार है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन और पावरफुल एप्लीकेशन। चलिए मैं इसको ओरिजिनल भी दिखा देता हूँ, जिसके लिए मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद मैं जहाँ पे रख रखा हूँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँगा, जहाँ भी मैं रख रखा हूँ उसको मैं इस तरीके से ओपन करूँगा और जहाँ भी मैं रख रखा हूँ उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ओरिजिनल वीडियो है, मैं इसको ओपन करूँगा, इसको मोड पर जाऊँगा, यहाँ डिटेल्स पर जाऊँगा और डिटेल्स पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि 21.78 MB का ये वीडियो है। मैं इसको भी प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से मैं प्ले करूँगा। तो आप इसका क्वालिटी देख लीजिए और उसका क्वालिटी आप देख ही लिए ही कैसा है। तो ये दोनों में आप मैचिंग कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट आया है या नहीं। सो इस तरीके से आप इसको आप प्ले करके आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका क्वालिटी क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, दोनों का एक ही क्वालिटी है और आपका जो वीडियो है उसका साइज भी कम हो चुका है। आपको 50% से ज़्यादा जो साइज कम हो चुका है, समझ सकते हैं कि 50% से कितना ज़्यादा साइज कम हुआ। तो आप कोई भी वीडियो अगर शूट करते हैं तो आपका वीडियो बहुत ही आसान से आप अपना वीडियो का साइज आप कम कर सकते हैं। देखते हैं कितना 21 MB का ये है और वहाँ पे आपको 8 MB का था। तो आप समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा आपका वीडियो का साइज कम हो चुका है और आपके वीडियो का जो है क्वालिटी भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया ये एप्लीकेशन है, जिससे आप अपने वीडियो को शूट करते हैं तो अगर आपके वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है तो आप इस एप्लीकेशन से बहुत ही हद तक अपने वीडियो का कंप्रेस करके उसका साइज कम कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम अपने वीडियो को कंप्रेस करके उसके साइज को कैसे कम करेंगे और आपका जो वीडियो है उसका क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।